नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और डेवलप करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यदि किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें टॉर्क एक्ट करता है। तो हम टॉर्क की सबसे पहले देखेंगे टॉर्क का क्या फार्मूला होता है आर और एफ के टर्म्स में। मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट ये इसकी मोमेंट आर्म है, ये रोटेट करेगा, और दिस इज मोमेंट आर्म आर वेक्टर है, और इस पर अगर हमने फोर्स लगा दिया तो ये रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम ये बात जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। जहाँ पर आर क्रॉस एफ का क्या मतलब है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट। तो आर वेक्टर को एक्सटेंड करो और इनके बीच का जो एंगल होगा कोइनिशियल वो थीटा होगा। यहाँ पे ये एंगल थीटा है। सो दिस इज थीटा, ये आर वेक्टर हो गया, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया, तो को इनिशियल बना के हमने इनका वेक्टर ले लिया। सो दिस इज आर एफ साइन थीटा, और ईटा वेक्टर ये होता है टॉर्क। अब इसमें कई चीज़ें हैं, जरा हम देखें। अगर मान लीजिए ये एफ है तो एफ ये थीटा है, दिस इज थीटा ओनली। सो एफ का इधर की ओर और इधर की ओर क्या क्या वेक्टर हो सकता है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करो टू परपेंडिकुलर वेक्टर से। तो एफ को इधर रिजॉल्व करोगे तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और एफ को इधर रिजॉल्व करोगे तो एफ साइन थीटा हो जाएगा। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाई द फोर्स परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। मेरा कहने का मतलब है आर और एफ परपेंडिकुलर। देखो एफ साइन थीटा ले लिया, यही तो परपेंडिकुलर है। थीटा की तरफ लोगे तो कॉस और दूसरी तरफ लोगे तो साइन, और साथ ही साथ ईटा वेक्टर। ईटा वेक्टर क्या है? जब हम आर से एफ की तरफ जाते हैं, जैसे ये हमने आर लिया, ये लिया कोई एफ, तो आर और एफ, ये तो आर से एफ, क्योंकि ये आर क्रॉस एफ है, तो आर से एफ जाने पर फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो और जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ये फिंगर किधर गई, आर से एफ की तरफ। सो आर से एफ ले जाओ तो थंब ऊपर है, सो ऊपर की डायरेक्शन में इस पर टॉर्क लगेगा, और ऊपर की डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं, अंदर की डायरेक्शन को क्रॉस बना देते हैं और ऊपर डॉट। तो ये अपवर्ड है, अपवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, टू प्लेन ऑफ पेपर, ये टॉर्क की डायरेक्शन है जो इस पर टॉर्क लगेगा, तो अपवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। तो हमने यहाँ बताया आर ले सकते हैं और एफ परपेंडिकुलर ले सकते हैं, जहाँ ईटा इज ए यूनिट वेक्टर, और सारा मैग्नीट्यूड ईटा पे चढ़ा दो जो कि इसके ऊपर की ओर, इससे पर प्लेन पेपर के ऊपर की ओर एक वेक्टर है जो कि टॉर्क है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैसे भी अगर एक पेन है उसको कोई उधर धक्का दे तो ऐसे ही तो रोटेट करेगा, और ऐसे रोटेट करेगा तो राइट हैंड से फिंगर को इधर कर्ल कर लो, जहाँ थंब है उधर ही टॉर्क रहेगा। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि मोमेंट आर्म इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, ये टॉर्क है। अब दूसरी चीज और बताने जा रहा हूं कि टॉर्क एक और भी चीज होती है।
आप साइन थीटा इसके साथ ले लो, सो दिस इज आर साइन थीटा इंटू एफ और ईटा वेक्टर। तो आर साइन थीटा क्या है जरा देखिए, तो अगर मैं इसी चीज को पीछे ले आऊं तो ये दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो लाइन ऑफ एक्शन जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स वही लिया जाए लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जरा सोचो इसकी क्या लेंथ होगी। तो ये थीटा है, इसकी लेंथ थोड़ी देर के लिए आप एक्स मान लो, तो साइन थीटा क्या हुआ, नाउ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर जिसे एक्स माना गया है, तो एक्स अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला है, सो दैट इज परपेंडिक पी बाई एच, तो एक्स अपॉन आर, तो एक्स क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो ये जो एक्स हमने माना है ये और कुछ नहीं है, ये है आर साइन थीटा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं कि टॉर्क इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी आर साइन थीटा और कुछ नहीं है, ये आर परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर, आर साइन थीटा वही तो है, और इंटू एफ, और ये तो एन कैप है जो आर से एफ की तरफ है, और राइट हैंडेड रूल से, थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। तो ये बात आपको पता चल गई कि टॉर्क दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो परपेंडिकुलर फोर्स इंटू मोमेंट आर्म इसके परपेंडिकुलर, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों किया जा सकता है। अब जरा देखें, मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और ऊपर की ओर फील्ड है, दिस इज द फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है ऊपर की तरफ, दिस इज ई, डाइपोल मोमेंट वो इस डायरेक्शन में, यहां से यहां की ओर ये डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, माइनस से प्लस होता है तो वही बना दिया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट और इसके बीच में कुछ एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए वो थीटा है, डाइपोल इज केप्ट एट एन एंगल थीटा। अच्छा, प्लस चार्ज उधर ही जाता है जिधर फील्ड होती है, तो प्लस चार्ज ऊपर जाएगा, और ये मान ले प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, तो यहाँ पर इस पर लगने वाला फोर्स क्यू ई है। वैसे भी जो 1 कूलम्ब पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो क्यू कूलम्ब पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई होगा, तो माइनस क्यू पर अब किधर फोर्स लगेगा, इस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा माइनस क्यू पर, और वो क्या होगा, माइनस क्यू ई, वेक्टर के साथ ले रहा हूँ तो माइनस साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये फोर्स लग गया। अच्छा, मान ये चीज जब भी एक कपल होता है, एक क्षण पर अगर मान लीजिए स्पेन पर दोनों तरफ आप क्या करो, इधर नीचे फोर्स लगाओ इधर ऊपर, तो इस एक्सिस के खिलाफ ये रोटेट करेगा, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी, दोनों तरफ रॉड में एक ऊपर लगा और एक नीचे, तो ये अपोजिट फोर्सेज हैं तो इसको रोटेट करा देंगे, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। अब डाइपोल और डाइपोल के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होती है, ये 2a, तो ये डिस्टेंस हुई a और ये डिस्टेंस भी a हुई। अच्छा,
सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालें? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल, तो अभी हमने आपको बताया कि आप कुछ काम कर सकते हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ले लें और उस पर डाल लें परपेंडिकुलर। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे ही इस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन ले लें और इस पर परपेंडिकुलर वो डाल दें एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हमेशा यहाँ भी देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही हमने परपेंडिकुलर डाला, यही था एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वहीं से परपेंडिकुलर डाला जाए क्योंकि वही तो मोमेंट आर्म बनाती है। तो ये मोमेंट आर्म है तो मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया गया है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, यानी बल की क्रिया रेखा पर जो रोटेशन है घूर्णन का लंबवत जो भी इसका कंपोनेंट है वो ले लिया गया है। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमने लिया है। अच्छा ये ए है, अब ये थीटा है तो ये कितना हुआ? थीटा हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये ए है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने एक्स माना था, आप चाहो तो एक्स मान के देख लो, ये बिल्कुल सिमिलर है, ये भी थीटा है, ये आर है, वही सब चीज़ें तो हैं। तो आर होने से ये आर साइन थीटा हुआ, तो ये ए होने से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हुआ? ए साइन थीटा। तो इस तरीके से जो इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों का सम कर लिया जाए। सो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू जो भी फोर्स होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म, ऐसा होगा। सो ऐसे जितना भी हो, वैसे तो यहाँ दो फोर्स हैं तो हम सिग्मा लगा दे रहे हैं, दो फोर्स हैं दोनों को जोड़ेंगे। तो जरा पहले वाले को देखिए, पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू ई, फोर्स कितना लग रहा है बताइए, क्यू ई, और आर परपेंडिकुलर कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर कितना, ए साइन थीटा। ये वाला जो फोर्स है ये इसको कैसे घुमाएगा? अगर इस रॉड पर ऐसे फोर्स लगाओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि राइट हैंड थंब रूल लो और फिंगर ऐसे करो तो थंब ऊपर आता है, तो ऊपर आने का मतलब ये पॉजिटिव हुआ। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो पॉजिटिव लेना है। अच्छा ये देखो, ये भी अगर मान लीजिए ऐसे है, ये मोमेंट आना और इधर फोर्स लगाओ तो ये ऐसे घुमा देगा, ये भी तो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहा है, तो ये भी अपवर्ड हुआ, देख लीजिए आप। सो इस तरीके से अगर आप ऐसे करें तो थंब ऊपर, ये देखिए। तो इस तरीके से दूसरा वाला भी पॉजिटिव हुआ। अच्छा जैसे ये ए साइन थीटा है और ये ए है और ये एंगल ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल हुए भाई, ये थीटा तो ये थीटा, और ये ए है और ये 90 डिग्री है, तो आप इसे एक्स मानते हुए साइन थीटा इज एक्स बाई ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसकी वजह से ये जो फोर्स है कितना टॉर्क बन जाएगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंट आर्म ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दिशा में जो घूर्णन बिंदु से डाला गया लंब उसकी जो भी दिशा होगी, सो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंट आर्म ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो ए साइन थीटा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमने इसे भी पॉजिटिव ले लिया। ये टॉर्क है, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, टॉर्क अबाउट हो। सो ये क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स तो टू एक्स, तो टू क्यू ए और ये साइन थीटा इंटू ई, ये आ गया। तो 2QA क्या होता है, ये PE साइन थीटा। PE साइन थीटा क्या होगा,
पी क्रॉस ई, तो अब ये टॉर्क हो गया, इस पर लगने वाला टॉर्क ये हो गया। तो इस तरीके से आप फार्मूला निकाल सकते हैं, हमने कई तरीके से आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो पी क्रॉस ई है, देख लें, पी किधर था, पी इधर था, ये देख लो पी इधर था, माइनस से प्लस की ओर। ई किधर था, ऊपर। तो अगर पी क्रॉस ई करोगे, ये है पी, ये है ई, तो बताओ ये डायरेक्शन किधर होगी पी क्रॉस ई करने पर। पी क्रॉस ई करने पर ये ऊपर की ओर होगी, आप ऐसे समझ लें। मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये है, और ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये पी हुआ, ये ई हुआ, और ये यहाँ से यहाँ। तो ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा पी से ही तो, या फिर राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ये देखो पी से ही गए। और यही जो है इसके रोटेशन की भी डायरेक्शन है, तो जो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन अपवर्ड है, वही तो यहाँ पर रोटेशन की भी आ रही है, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी शामिल हो गई पी से ई की तरफ, और वही रोटेशन के तो टॉर्क ऊपर की ओर लग रहा है, यानी फिंगर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा हमारा डाइपोल। तो ये चीज़ हो गई, तो पी क्रॉस ई इज द करेक्ट नोटेशन, और ये इसका फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से आप डिड्यूस कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड बताया गया कई तरीके से बता दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या डाइपोल ट्रांसलेट भी करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया यूनिफॉर्म है तो वो प्योरली रोटेट करता है, ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि क्यू ई और माइनस क्यू ई अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए वो अपनी जगह पे रोटेट तो कर सकता है लेकिन शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा होगा, जरा हम ये देखें। मान लीजिए कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रही है, यानी आप समझिए राइट में फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, कोई भी चीज़ राइट में जाएगी तो वहाँ और फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म है। या ये समझ लीजिए कि राइट हैंड साइड में जो फील्ड लाइंस है वो कंजेस्टेड होती जाएंगी और लेफ्ट में डाइलेटेड है, जैसे भी हो यहाँ पे ज़्यादा फील्ड होगी, राइट में जाने पे फील्ड बढ़ेगी। सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इज टूवर्ड्स राइट, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड ये जो होगा ये है। तो ये आपके में दिया है कि अगर इस तरीके से ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड है, इधर बढ़ रही है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, बढ़ती चली जाएगी, जितना आप राइट में जाओगे उतना बढ़ती चली जाएगी। अब हमारे पास एक डाइपोल है, तो ये डाइपोल माइनस है और ये डाइपोल प्लस है, तो जो निगेटिव है, देखो प्लस वाले पर तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये क्यू ई लग जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज जहाँ जाता है फील्ड वहीं होती है। अच्छा, निगेटिव पर इधर लगेगा, लेकिन जो निगेटिव पर फील्ड लगेगी वो थोड़ी सी होगी, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, तो वहाँ ई का मैग्नीट्यूड बड़ा है और यहाँ ई का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी ये क्यू ई, आप चाहे वन और टू लिख लें क्योंकि फील्ड बदल रही है प्लेस टू प्लेस, तो ये छोटा है, और माइनस भी लगा दें क्योंकि अपोजिट है। तो अब दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो ऐसे केस में इनका नेट कितना हो जाएगा, इतना पार्ट तो इतने से कैंसिल कर देगा और बाकी नेट फोर्स क्या हो जाएगा,
सो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज, इतने से इतने को कैंसिल कर दो सेम लेंथ, और बाकी बचा कितना, इतनी लेंथ बची, तो ये डाइपोल उधर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, यानी ये ट्रांसलेट भी करेगा, और अगर किसी एंगल पर रख दिया तो रोटेट तो करेगा ही करेगा, टॉर्क भी लगेगा। सो इन एडिशन टू रोटेशन द डाइपोल आल्सो विल ट्रांसलेट। सो इन दिस केस देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, इस पर एक्टिंग करेगा, ठीक है, ऑन डाइपोल, सो इट विल ट्रांसलेट, ये चीज है। आप इसे ऐसे समझें, यानी ये जो पूरा डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये पूरा सिस्टम राइट में शिफ्ट होता चला जाएगा, आप ऐसे देख लो। मान लीजिए कि अगर एक कॉम्ब को आप किसी फ्लैनलेट पर या अपने ड्राई हेयर पर रब करें या सिल्क पर रब करें, तो जो कॉम्ब होगा, तो उस कॉम्ब में, ये मान लीजिए मैंने कॉम्ब ले लिया, ये कॉम्ब ले लिया, अब इस कॉम्ब को, कॉम्ब क्या होता है, पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड होने की वजह से आप किसी पे भी रब करोगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, फिर नीचे पेपर के कुछ टुकड़े डाल दो, मान लीजिए ये बिट ऑफ पेपर आपने डाल दिया, तो बिट ऑफ पेपर में इसकी वजह से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और ऊपर प्लस और नीचे माइनस बन जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ये डाइपोल बन गया। और ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि निगेटिव की तरफ फील्ड सिंक करती है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो फील्ड है निगेटिव की तरफ सिंक करेगी, ऐसे सभी में होगा, तो फील्ड धीरे धीरे इंक्रीजिंग है, ऐसे सभी में होगा, हर पॉइंट पर फील्ड ऐसे ऐसे निगेटिव की ओर सिंक कर रही है, सभी में होगा, जो भी हो। तो अब ये जो पेपर्स हैं, ये पेपर क्या करेंगे, इन पर देयर इज नेट ट्रांसलेशनल फोर्स एक्टिंग, तो फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो हमने दिखा दिया कि जो निगेटिव चार्ज होता है वहीं पॉजिटिव चार्ज आता है, तो फील्ड की डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ, सिंक करती है वैसे भी निगेटिव चार्ज में, तो ये जो भी डाइपोल है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये हम देखते भी हैं कि अगर कॉम को रब कर लें तो पॉजिटिव चार्ज, क्यों ऐसा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो पास होने की वजह से इस पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बड़ा है, और निगेटिव चार्ज इससे दूर है, आप देख लो इससे ये दूर है ना, अवे है, तो इस पर लगने वाला निगेटिव पे निगेटिव रिपल करेगा, लेकिन निगेटिव वाला फोर्स कम है, तो इसलिए ये जो फोर्स है वो क्यू ई है और ये माइनस क्यू ई है। तो अब नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स देखो, ये छोटा वेक्टर ये बड़ा वेक्टर तो अपवर्ड ही तो हुआ, तो ये जो पेपर्स होते हैं ये इस पे चिपक जाते हैं। अच्छा, जब ये चिपक जाते हैं तो मान लीजिए एक पेपर चिपक गया इसके ऊपर, ये चिपक गया, तो चिपक जाने के बाद इसमें से निगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाता है, अब ट्रांसफर हो गया तो फिर ये गिर जाएगा नीचे, निगेटिव चार्ज लेके गिर जाएगा। अब एक बार जो पेपर चिपक गया फिर वो दोबारा नहीं चिपक सकता, चाहे आप कुछ कर लो, क्योंकि उसको उसको निगेटिव चार्ज मिल गया, तो इसलिए जो न्यूट्रल बिट्स ऑफ पेपर होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और चिपक जाने के बाद फिर वो रिपेल हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं जब चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि फिर ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये चीज़ होती है, ऐसा ही सब में होता है, जैसे आप ये देख लो, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव बॉडी है और इसके बगल में एक न्यूट्रल बॉडी रख दी, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो
आप मुझे बताएं कि क्या ये न्यूट्रल बॉडी, जैसे यहाँ न्यूट्रल पेपर रखे थे तो अट्रैक्ट हो गए, तो ये क्या न्यूट्रल बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी कि रिपेल होगी या कुछ भी नहीं होगी? तो ये प्रश्न आता है कि इफ सम न्यूट्रल बॉडी इज केप्ट नियर ए चार्ज्ड बॉडी देन हाउ इट विल एक्ट, क्या इसमें रिएक्शन होगी? तो सबसे पहले इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, माइनस और प्लस, माइनस पास में हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, चूंकि ये पास में है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और प्लस पर रिपल्सन थोड़ा लगेगा क्योंकि प्लस दूर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स बड़ा है और ये छोटा है, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स इधर लगेगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगी। अट्रैक्ट होने के बाद ये इससे कुछ चार्ज लेके नेट पॉजिटिव हो जाएगी, फिर रिपेल होके गिर जाएगी। सो व्हेन ए टाइनी न्यूट्रल बॉडी इज केप्ट नियर ए चार्ज बॉडी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड। व्हेन ए स्मॉल न्यूट्रल, स्मॉल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका मोमेंट हो सके, न्यूट्रल बॉडी इज केप्ट नियर ए चार्ज बॉडी, देन फर्स्ट इट गेट अट्रैक्टेड, फर्स्ट इट गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि प्लस की तरफ जो भी यहाँ पर फील्ड आएंगी या जो निकलेंगी, वो फील्ड्स यहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड है और दूर जाने पे डायलेट हो रही हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, यहाँ लाइन ऑफ फोर्स कंजेस्टेड है और दूर जाने पे ये हो रही हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पढ़ भी रहे हैं कि ट्रांसलेशन होता है, नेट फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये डाइपोल घूम जाता है। तो इसमें डाइपोल आया कैसे? ये जो भी डाइपोल इसमें आया या इसमें आया, तो इट इज़ ऑल इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड हुआ है रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, खैर किसी भी वजह से हुआ है, अभी तो ये डाइपोल है। तो क्या होगा? इट गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, या ये कह सकते हैं ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, न्यूट्रल बॉडी एक्ट्स एज डाइपोल एंड द लार्ज बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। न्यूट्रल बॉडी एक्ट्स एज डाइपोल एंड चार्ज्ड बॉडी, जो चार्ज्ड बॉडी है ठीक है, क्रिएट्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, क्रिएट्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और उसकी वजह से क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगी। सो देयर इज ए नेट ट्रांसलेशन, इसकी वजह से इसकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है, क्योंकि ये चार्ज पास है और ये दूर है, तो पास होगा, आर के ऊपर ही तो सारे फोर्सेस डिपेंड करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इसलिए ये होगा। सो अट्रैक्ट करेगी, यहाँ हमने लिख दिया अट्रैक्टेड। वंस दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन शेयरिंग ऑफ चार्ज अकर्स एंड द टाइनी बॉडी गेट रिपल्ड, बोथ बियर सेम चार्जेस। वंस बोथ बॉडी, वो तो अट्रैक्ट हुई थी, बोथ बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट देन द शेयरिंग ऑफ चार्ज अकर्स, अब दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी, एंड दे विल गेट रिपल्ड, एंड फिर वे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, दे विल गेट रिपेल्ड, ये चीज हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आने पे आप लिख सकते हैं ना। अब जरा देखें कि
हमने एक केस ऐसा देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका जरा डाइपोल मोमेंट तो देखिए, माइनस से प्लस की हो रहा है, डाइपोल मोमेंट इधर है। सो इफ इंक्रीजिंग फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, देन द डाइपोल गेट शिफ्टेड टूवर्ड्स फील्ड। उधर ही तो फोर्स लग रहा है नेट, ये बड़ा फोर्स है। इफ इंक्रीजिंग फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, देन डाइपोल गेट शिफ्टेड या डाइपोल गेट ट्रांसलेटेड टूवर्ड्स इंक्रीजिंग फील्ड। वो इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है। लेकिन ये तो केस वन है, केस टू क्या कहता है देख लो। केस वन है, फील्ड उधर बढ़ रही है, डाइपोल भी माइनस से प्लस की तरफ है। केस टू देखिए, इस केस में फील्ड तो इधर ही इंक्रीज कर रही है, इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। लेकिन अब मैंने डाइपोल को उल्टा रख दिया है, ये माइनस और ये प्लस, ऐसा हो गया। सो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अच्छा, जो माइनस चार्ज है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी, ये तो वेक्टर है और इधर में दिखा दी। और फील्ड किधर बढ़ रही है, राइट में। जितना राइट में जाओगे फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या होगी, फील्ड ये राइट में है, राइट है डायरेक्शन। अच्छा, इधर फील्ड बहुत ज्यादा है मैग्नीट्यूड, तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आप ये देखिए, निगेटिव चार्ज फील्ड की उल्टी दिशा में जाता है, क्योंकि प्लस चार्ज के जाने की ही दिशा फील्ड की दिशा होती है। प्लस चार्ज जहां जाए वही फील्ड मानी जाती है, तो निगेटिव चार्ज तो उल्टा ही जाएगा। तो निगेटिव चार्ज पर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते तो फील्ड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ये माइनस क्यू ई टू होगा। इस प्लस पर किधर फोर्स होगा, प्लस पर इधर फोर्स होगा, क्योंकि प्लस चार्ज उधर ही जाएगा जिधर फील्ड होगी, तो प्लस पर इधर फोर्स दिखा, लेकिन ये छोटा फोर्स होगा। सो दिस इज क्यू ई वन हो गया, वेक्टर भी लगा लो, इधर ही तरफ भागता है प्लस चार्ज जिधर फील्ड होती है। अच्छा, ये वेक्टर बड़ा, ये वेक्टर छोटा, तो बताओ नेट फोर्स किधर लगेगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है ना। क्यों बड़ा है, क्योंकि उधर जाने पे फील्ड बढ़ गई है, तो फील्ड बढ़ने पर तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का अगर हम नेट निकालें तो लेफ्ट की तरफ आएगा। सो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ये इधर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इधर है और फील्ड उधर है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज, पहले किधर था डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट उधर था, सो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड था जो भी था ट्रांसलेशन, और यहाँ पर क्या हुआ, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि ये वेक्टर बड़ा है। सो द डाइपोल विल ट्रांसलेट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसा हो रहा है। सो डाइपोल विल ट्रांसलेट, ये देख लीजिए इधर जाएगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
हाँ, टॉर्क का जो फार्मूला है वो लगेगा, वो सारा आप लगा सकते हैं, हमने आपको बेसिक्स बता दिए, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल ट्रांसलेट भी करेगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हो। ये केस एंटी पैरेलल का है, डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल रखा है तो इधर जा रहा है, और ये केस पैरेलल का है, पैरेलल रखा है तो इधर जा रहा है। इफ इट इज पैरेलल देन इट मूव्स टूवर्ड्स फील्ड, इट इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कैसे है ये देखिए। सो यहाँ पर एंटी पैरेलल इस तरीके से है कि पी और ये, सो ये केस ऑफ एंटी पैरेलल है, केस ऑफ पी एंड ई आर एंटी पैरेलल, पी एंड ई आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ये हो गया, और ये क्या है पी एंड ई आर पैरेलल, पी एंड ई हाउ एवर देयर इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। सिर्फ यही काफी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि पैरेलल एंटी पैरेलल में ऐसा ना हो कि उधर की तरफ फील्ड कम होती जाए, फील्ड उधर बढ़नी भी चाहिए, तभी ये चीज़ है। ये भी देखें और ये भी देखें कि फील्ड किधर बढ़ रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर तो हमने वेक्टर बनाए हैं। सो सभी चीज़ों को कंक्लूड करके देखें कि ऐसे केस में जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो उसमें ट्रांसलेशन अवश्य होगा, उसमें एक तरीके का स्थानांतरण होगा, ट्रांसलेशन का मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती चली जाएगी। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही रखते हैं, हमने इसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में आपको बता दिया कि किस तरीके से डाइपोल में शिफ्टिंग होगी। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, बाकी अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों।